तो दोस्तों, यदि आप अपने YouTube चैनल में अपना कोई दूसरा चैनल ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप यूट्यूबर कैरी मनाटी का यह चैनल है, तो आप देख सकते हैं उन्होंने भी अपने YouTube चैनल में अपना एक दूसरा चैनल जिसमें कि वो लाइव गेमिंग प्ले करते हैं वो ऐड करके रखा है, और आप देख सकते हैं उसमें भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। और इसी तरह से हम और भी कई बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, जैसे कि बीबी की वाइन, अमित बड़ाना और आशीष चांचलानी, इन्होंने भी अपने चैनल्स में अपने कई चैनल्स को ऐड करके रखा है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में अपना दूसरा चैनल ऐड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल रिजोनिया और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि हमको अपने यूट्यूब चैनल में अपना ये दूसरा चैनल ऐड करना है, तो उसके लिए हमको जाना है सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र में हमको करना है अपना यूट्यूब चैनल ओपन। तो हम करते हैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बार में हमको सर्च करना है यूट्यूब। तो यूट्यूब सर्च करने के बाद हमको ये सर्च कर देना है, और ये सर्च करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा यूट्यूब चैनल क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। तो हमको करना है अपना चैनल जो है डेस्कटॉप मोड पर ओपन करना है। तो डेस्कटॉप मोड पर ओपन करने के लिए ये सबसे ऊपर राइट हैंड साइड ये थ्री डॉट्स हमको दिखाई दे रही हैं, इन पर हमको क्लिक करना है। और इन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी अपने चैनल को डेस्कटॉप मोड पर ओपन कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा चैनल ब्लू टिक दिखाई दे रहा है। तो आप भी अपने चैनल को डेस्कटॉप मोड पर ओपन कर लीजिएगा। तो डेस्कटॉप मोड पर ओपन करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर राइट हैंड साइड अपने चैनल का लोगो जो दिखाई दे रहा है, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर पे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है योर चैनल वाला, उस पर हमको फिर से क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारा चैनल कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो आप देखेंगे ब्लू पट्टी में हमको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियोस। तो हमको करना है कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक। तो हम जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसको जूम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे ये ऐड सेक्शन वाला ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाता है। तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो सबसे नीचे जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है फीचर्ड चैनल वाला ऑप्शन, तो हमें ये फीचर्ड चैनल वाला ऑप्शन है ये चूज करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इसमें हमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड सेक्शन टाइटल, तो इसमें हमको अपने चैनल का टाइटल टाइप करना है, जैसे कि माय अनदर चैनल, माय ब्लॉग चैनल, माय डांसिंग चैनल वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पे अपने चैनल का टाइटल रखना चाहते हैं वो टाइप कर दीजिएगा। तो हम अपने टाइटल में टाइप कर देते हैं माय अनदर चैनल। और टाइटल टाइप करने के बाद उसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो इस तरह से आपको सर्च बार दिखेगा। तो इस सर्च बार में हमको अपना वो चैनल सर्च करना है जो कि हमें ऐड करना है। गाइस, हम आपको बता दें कि पहले ये सर्च वाला ऑप्शन नहीं आता था, पहले हमको अपने चैनल की लिंक कॉपी करनी होती थी और यहाँ पर हमको पेस्ट करनी होती थी, लेकिन अब हमको डायरेक्ट चैनल सर्च करने का ये ऑप्शन दिया जाता है। तो हम अपना चैनल इसमें सर्च करते हैं। तो आप भी अपने चैनल को इस सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा। तो हम करते हैं अपना चैनल सर्च जो कि इंडियन राहुल के नाम से है। तो अपने चैनल का नाम जैसे ही हम इसमें सर्च करते हैं तो उस नाम से जितने भी चैनल हैं वो इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। उनमें से जो भी आपका चैनल हो वो सेलेक्ट कर लेना, और उसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे राइट हैंड साइड आप देखेंगे ये डन वाला ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाता है। तो ये डन वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। तो गाइस, उसको डन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा चैनल कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इसको पब्लिश करने के लिए आप देखेंगे सबसे ऊपर राइट हैंड साइड हमारे सामने ब्लू पट्टी में पब्लिश वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उस पर हमको क्लिक करना है। तो गाइस, हम जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे चेंजेस पब्लिश्ड कुछ इस तरह का पॉपअप हमको दिखाई देता है। इसका मतलब हमने अपने चैनल में जो भी चेंजेस किए हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। तो चेंजेस पब्लिश होने के बाद हम अपने चैनल में जाकर देखते हैं कि हमारा दूसरा चैनल उसमें ऐड हुआ है या नहीं। तो YouTube को ओपन करते हैं और उसमें अपने चैनल को खोलकर देखते हैं। तो अपने चैनल को ओपन करने के बाद हम उसमें नीचे जाकर देखते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा चैनल कुछ इस तरह से ऐड हो चुका है। सो गाइस, आप भी अपने YouTube चैनल में अपना दूसरा चैनल इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।
सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।